अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्रीन लेज़र पॉइंटर की, जो कि यहाँ पे बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। और बॉक्स की पिछली तरफ यहाँ पे जो है आपको वेरिएंट मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड एंड रेड। ठीक है, तो जो मैंने मंगवाया है वो है ब्लैक में। ठीक है, तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये लेज़र पॉइंटर होता है। और ये काफ़ी अच्छी जो है वो लेज़र पॉइंटर है। और बाकी इसमें आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वारंटी कार्ड। ठीक है, आप वीडियो को जो है वो स्टॉप करके भी देख सकते हैं। और बाकी ये है, ठीक है, इस लेज़र पॉइंटर में हमें मिलती है एक ये चार्जिंग डॉक है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक हमें लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें हमारी जो है वो मेन लेज़र देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन इस लेज़र की मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ज़रूरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको वार्निंग लिखी मिल जाएगी। ठीक है, अभी कैमरा फोकस नहीं है, बाकी यहाँ पे वार्निंग लिखी मिल जाएगी कि भाई आइज़ पे कभी भी किसी की आइज़ पे ये जो है लेज़र फोकस ना करें, ये बहुत जो है वो आपकी आइज़ को नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए इसको सेफ्टी के लिए ही यूज़ किया जाए, मतलब यानी एज अ सेफ्टी पर्पस में ही यूज़ करें, बाकी किसी की आइज़ पे इनडायरेक्टली इसको जो है वो ऑन ना करें। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इस लेज़र के बिल्ड क्वालिटी की। तो ये पूरा हमें ये मेटल में मिल जाता है और ये स्टील टाइप का मेटल है और इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगा। सामने की तरफ देखा जाए तो हमें एक ये प्रिज्म टाइप का ये मिल जाता है हमें। ठीक है, इसको ओपन भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ये दो कीज़ देखने को मिल जाती हैं, ये रही। ठीक है, ये की इसलिए देखने को मिलती है साथ में क्योंकि लेज़र का कोई जो है वो गलत इस्तेमाल ना किया जाए, तो जब तक की नहीं होगी तब तक ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, और की इम्पॉर्टेंट है। बाकी आगे आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन है इसका। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया, इसमें मैं लगा लेता हूँ ये बैटरी। ठीक है, और फिर इसको मैंने कर दिया क्लोज़। ओके, तो अब मैंने इसको क्लोज़ कर लिया। देखें, ये अब ऑन नहीं होगी। ऑन इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके अंदर की लगा के इसको ऑन नहीं किया। तो इसमें मैं अभी की लगा के इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये रही की, ये मैंने इसमें ऐसे लगाई और इसको मैंने ऐसे ऑन कर दिया। ठीक है, ये ऑन हो गई। अभी आप देखें, बाकी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ डार्क में और ये किस तरह की लेज़र है। ये लेज़र है, ठीक है, और इसके आप जो है वो शेप जो है आगे से चेंज कर सकते हो, मतलब यानी कि डिज़ाइन जो होते हैं। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या सीन है। तो मैं लाइट्स को कर देता हूँ ऑफ। ओके, तो लाइट ऑफ करने के बाद ये चेक करें, अभी मैं इसको जब घुमाऊंगा तो आप देखिएगा किस तरह इसके डिज़ाइन चेंज होते हैं। तो काफ़ी अच्छी लेज़र है ये। ओके, तो आप इसको लेज़र पॉइंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको इस तरह से यूज़ करके दिखाया था, ठीक है, और अब इसको हम बिना इसके यूज़ करते हैं। ये मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है, और अब ये हो गया है नॉर्मल लेज़र पॉइंटर। ठीक है, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पावरफुल लेज़र है। और अगर ये भी आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और अगर आपको एक एज अ टॉर्च आपने यूज़ करनी है, तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, अब ये बन गई टॉर्च। ये देखें, अब ये बन गई है टॉर्च। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये एज अ टॉर्च यूज़ की जा सकती है, काफ़ी दूर तक जाती है। टॉर्च है ये, आइज़ के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है अगर एज अ टॉर्च यूज़ करते हो, पर फिर भी जो है वो आइज़ पर आप रिफ्लेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।